स्ट्रक्चर चेंज करने में मैं परमेश्वर सर था आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 जो है हमारे पास वो दो टॉपिक्स पर आधारित है। पहला टॉपिक जो है वो है हमारे पास द्विध्रुव के हेलिक्स में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कल का जो टॉपिक्स था अक्ष के बाद जो हेलिक्स का टॉपिक वो आज करेंगे। और इसके अलावा जो इस लेसन नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने के लिए आवश्यक बल आवेग, उन दोनों टॉपिकों के बारे में हम गहनतापूर्वक अध्ययन करेंगे और देखते हैं हम इस टॉपिक में क्या चीज हमारे उपयोगी है। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो स्टार्ट करते हैं आज का, वो है द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, हम इन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक पे जो फिजिक्स की जो फंडामेंटल फिजिक्स काम आएगी, जो मूलभूत भौतिकी के बारे काम आएगी, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें इस टॉपिक को पढ़ने में सुविधा बहुत ज़्यादा सुविधा हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो देखो पहला जो हमारे पास है वो सलिश्व से रिलेटेड टॉपिक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दो पार्टिकल है, उस पार्टिकल पर दो बल लग रहे हैं, एक बल लग रहा है F1 बराबर 3 न्यूटन और दूसरा बल जो लग रहा है वो है F2 बराबर वो कितना है 3 न्यूटन। दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो हमारे पास पता है कि परिणामी बल जो होगा वो इन दोनों क्या होगा, मध्य होगा। चूंकि हम जानते हैं कि बल जो होता है एक सदिश भौतिक राशि होती है, अगर बल सदिश भौतिक राशि है तो इसका योग जो होगा वो सदिशों के नियमानुसार होगा। ठीक है, तो आज हम सदिशों के नियमानुसार इसका योग करते हैं। तो देखो हमारा जो योग होगा वो हम करते हैं, पहले हमने क्या किया कि जो वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा जो मैथ का फॉर्मूला वेक्टर के अनुसार, वो हमारे पास एफ नेट जो होता है वो कितना होता है F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos 60 डिग्री। इसके अंदर हम अगर मान करके सॉल्व करूँ तो हमारे पास एफ नेट जो आएगा वो कितना देगा, रूट के अंदर F1 का जो मान है वो कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 909, फिर इसका करेंगे तो कितना देगा 9 + 2 × 3 × 3 F1 का F2 का और cos 60 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2। इससे हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास कितना आया, ये जो मान आया वो 9 + 9 + 9 तो मैं सोच सकता हूँ 3√3, ये हमारे पास परिणामी बल आ चुका है। देखो ये जो हमने फॉर्मूला लगा सूत्र है परिणामी बल निकाला है, वो परिणामी बल का सूत्र जो हमारे पास निकाला गया है वो वेक्टर के फॉर्मूले से निकाला गया। अब हम जानते हैं कि दोनों बल समान है और दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो परिणामी बल जो होगा वो इनके बीच में होगा। तो हम क्या करते हैं इनको घटकों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो कंपोनेंट में डिवाइड करना मैंने आपको क्लास 11 में सिखाया हुआ बहुत अच्छी तरीके से। ये हमारे पास अगर 60 डिग्री है तो इसका हाफ जो होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर मैं इसको ये कंपोनेंट लूँ तो मुझे पता है कि थीटा वाला कंपोनेंट ऑलवेज किसका होता है, कॉस का होता है, तो ये कितना हो जाएगा F1 cos 30 डिग्री और इधर वाला देखा जाए तो ये कितना कौन सा हो जाएगा F2 cos 30 डिग्री। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, F1 sin 30 डिग्री और इधर वाला जो होगा वो कितना होगा F2 sin 30 डिग्री। डियर स्टूडेंट F2 sin 30 जो होगा वो कितना होगा रूट 3/2 इधर sin 30 सॉरी ये होगा हाफ और इधर जो होगा वो कितना होगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में शो है, तो हम ये कुछ क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे और जो नेट फोर्स रिलेटेड फोर्स आएगा हमारे पास वो किसका आएगा, इस F1 cos के कारण आएगा। तो F नेट फोर्स है वो कितना हमारे पास F1 cos 30 डिग्री प्लस F2 cos 30 डिग्री। अब हमारे पास F1 जो है वो कितना 3 न्यूटन और cos 30 का मान होता है √3/2 + √3 और ये तो उस फोर्स का और ये एंगल का, अगर इसको ऐड करें तो कितना आएगा 3√3 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट हमने जब कंपोनेंट पर डिवाइड करके इसका मान निकाला तो भी 3√3 आ रहा था और जब हमने वेक्टर के अनुसार इसका मान निकाला तो भी हमारे पास कितना आ रहा था 3√3 आ रहा था। इन दोनों कंसेप्ट को आज हम इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरे कहने का बस मतलब यही है अगर हमें परिणामी का दोनों के साथ एंगल पता हो तो विद्यार्थियों मैं हम क्या कर सकते हैं इसको घटकों में तोड़कर निकाले तो भी आंसर सेम आएगा और चाहे वेक्टर एडिशन से निकाले तो भी क्या आएगा सेम आएगा। बस एक आपकी चीज ध्यान रखनी है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इस बात को आपको रिमेम्बर करना है। ठीक है, तो इसको चलते हुए हम आगे चलते हैं टॉपिक, वेक्टर एडिशन करने के बाद हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के अंदर। पहला जो हमारा मेन टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में मैंने क्या माना कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलकर बना है +2 और -2 आवेश से मिलकर बना है, ये +2 आवेश और ये -2 आवेश से मिलकर बना है
वो कितनी है 2a है। हमने मान लिया पॉइंट a मान लेते हैं, ये पॉइंट b मान लेते हैं, इसके सेंटर से निरक्ष पर r दूरी पर बिंदु p उपस्थित है, ये निरक्ष पर बिंदु p उपस्थित है r दूरी पर, इस बिंदु p पर मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सिंपल सा कांसेप्ट है, डाइपोल पर 2 चार्ज होते हैं, एक तो प्लस का दूसरा कौन सा होता है माइनस का, तो हमें टू चार्ज के कारण हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इसका वेक्टर एडिशन कर दूंगा। तो सबसे पहले जब भी इंटेंसिटी निकाली जाती है तो हम क्या लेकर आते हैं, उस बिंदु पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे। तो हमारे पास ये मैंने क्या लेकर आ गया, एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, तो टेस्ट चार्ज लेकर आएगा, टेस्ट चार्ज पर ये प्लस टू ऑब्वियसली फोर्स लगाएगा और ये माइनस टू ऑब्वियसली फोर्स लगाएगा, सॉरी इंटेंसिटी अप्लाइड करेगा, तो हमें वो इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस द्विध्रुव का, इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है एक जो पी वेक्टर होता है उसका मोड ले लेते एक आवेश का परिणाम और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, ये हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण आ चुका है समीकरण द्विध्रुव को एक। अब क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश का बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो निकालना है। तो हमने क्या किया कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता निकाली उसके बिंदु पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जो तीव्रता का फॉर्मूला होगा मेरे बिंदु पर मान लीजिए ई ए वेक्टर जो होगा वेक्टर के रूप में मान लीजिए, ठीक है, ये वेक्टर जो हमारे पास है वो कितना होगा ई का वेक्टर ले लेते कोई बात नहीं, ई वेक्टर होगा के क्यू सोर्स का उसके बीच की डिस्टेंस जो हमारे पास कितनी है एपी, एपी का स्क्वायर और दिशा जो होगी वो प्लस चार्ज के कारण जो स्पेक्ट्रल धनात्मक जो फोर्स लगता है वो बाहर की ओर होता है, तो दिशा जो हमारे पास होगी वो इस तरफ जाएगी और ये हमारी इसकी दिशा जो होगी वो लेगी पी एपी कैप। एपी कैप का मतलब यहाँ यही है, एपी कैप केवल केवल इसकी दिशा को बता रहा है और ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल से क्या निकालना पड़ेगा, एपी निकालना पड़ेगा, त्रिभुज कौन सा लेते हैं ए ओ पी में, ए ओ पी में हमने क्या लगा दी पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया, पाइथा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास कितना आएगा ए ओ पी में हमारे पास आएगा ए पी का स्क्वायर जो आएगा इसके बराबर आएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, हमारे पास ए पी आएगा वो कितना आएगा रूट के अंदर इसकी डिस्टेंस जो हमारे पास ओ ए, ओ ए कितनी है हमारे पास ए स्क्वायर और ये कितनी है आर स्क्वायर, ये हमारे पास ए पी आ गया। डियर स्टूडेंट जितना ए पी होगा उतना ही क्या होगा बी पी होगा, क्योंकि देखो ट्राइंगल के क्वेश्चन देखा जाए तो हमारे पास क्या कह सकता हूँ कि बी पी जो है वो किसके बराबर है ए पी के बराबर है और ये किसके बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर के बराबर। अब एक चीज़ और देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने मान लिया कि जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो ये भी कितनी एंगल बनता होगा थीटा होगा, तो हम इसके अंदर ए पी का मान रख देते हैं, ए पी का मान रखने पर हमारे पास ई ए की जो इंटेंसिटी आएगी वो के क्यू अपॉन ई, ए पी कितना है हमारे पास ए पी ये रहा तो होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट का क्या करना है वो होल स्क्वायर और कितना आएगा ए पी कैप, तो हमारे पास ई ए जो आएगा वो कितना आएगा के क्यू अपॉन में कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और बताएगा ए पी कैप, ये हमने निकाल दिया। इसी प्रकार ये जो डिस्टेंस है मैं इस डायग्राम में शो कर देता हूँ, लिखती है ये डायग्राम में मेरी इसका जो मान है वो कितना है रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इधर का डिस्टेंस जो शो कर देता हूँ ये है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर ये विद्यार्थियों अब हम क्या निकालेंगे, इसको मैंने समीकरण नंबर दे दी थी दो, अब हम निकालेंगे माइनस टू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता
ठीक है, जो माइनस टू एस का ऋण टी में छत्र की टी होता है वो हम निकालते हैं, तो इसको मैं क्या लूंगा ए बी, क्योंकि माइनस टू चार्ज जो है वो बिंदु बी पर उपस्थित है। ठीक है, ये कितना होगा के क्यू अपॉन में कितना होगा डिस्टेंस, तो हमें पता ही नहीं है क्यों आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर रूट में इसका होल स्क्वायर, और दिशा जो होगी डियर स्टूडेंट वो सुनना माइनस टू आवेश की जो दिशा है वो प्लस पर आकर्षण बल लगाएगी, तो इसकी दिशा इस तरफ होगी, ये दिशा हमारे पास इस तरफ है ई बी ये भी, और ई ए जो है वो हमारे पास ये भी, तो हमने क्या लिया कि इसकी दिशा जो है वो ई से किस तरफ है बी कैप, तो ई बी कैप समीकरण दे दी मैं तीन। समीकरण तीन और दो से आप एक गौर से देखिए डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ई ए का जो मॉड है वो किसके बराबर है, ई बी वेक्टर के मॉड के क्या है बराबर है, और परिमाण लेने पर हमारे पास इसका परिमाण जो है वो कितना है रूट के अंदर इसका, ये हमारे पास इसका परिमाण आ गया है। अगर परिमाण बराबर है तो डियर स्टूडेंट हम इसको घटकों के तोड़ने में क्या कर सकते हैं व्यक्त कर सकते हैं, तो हम अब वही करने वाले हैं कि सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या करना है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, इस परपेंडिकुलर लाइन में ये अगर थीटा बन गया तो हम क्या करेंगे इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे ई बी को, और सॉरी ये हमारे पास ई ए ई ए को और ई बी को हम क्या करेंगे घटकों में विभक्त करेंगे, ये भी एक बार थीटा ये भी कितना हो जाएगा थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और अब जो ये वाला घटक है वो कितना हो जाएगा सॉरी ई बी और कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और अगर परपेंडिकुलर घटक दिखा दे तो ये घटक कौन सा हो जाएगा ई बी साइन थीटा, और ये वाला ऊपर वाला घटक कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा ई बी और कितना हो जाएगा साइन थीटा। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने पहले कह दिया दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है तो साइन थीटा वाला घटक को क्या कर देंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और परिणामी तीव्रता जो आएगी वो कोस थीटा वाले घटकों के कारण ही आएगी, तो हम क्या कहेंगे चूंकि चूंकि ईए का जो मोड है ईए का मोड का मोड बराबर है किसके ईबी के मोड के, अतः बिंदु पी पर बिंदु बिंदु पी पर बिंदु पी पर ईए बिंदु ई पर परिणामी तीव्रता परिणामी तीव्रता कोस थीटा वाले घटकों के कारण होगी, क्योंकि साइन थीटा वाले घटक क्योंकि साइन थीटा वाले घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता है वो कोस थीटा वाले घटक के कारण है, तो ये जो हमारे पास है वो इक्विटोरियल, इक्विटोरियल का मतलब क्या है निरस्त मोड है। ठीक है, तो जो होगी हमारे पास इक्विटोरियल तीव्रता वो कितनी होगी ई ए कोस थीटा प्लस ई बी और कितना आएगा कोस थीटा। प्रिय विद्यार्थियों अगर मैं इक्विटोरियल को वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास अभी परिणाम ये आया है जैसे हमने पहले वेक्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखा, तो इसकी दिशा किस तरफ है वो भी हमें निकालनी बहुत जरूरी है, और मैं आपको पहले ही कह देता हूँ डाइपोल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दिशा सदैव डाइपोल मोमेंट के पदों में ही लेनी है। तो देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस चार्ज इधर है प्लस चार्ज इधर है, डाइपोल मोमेंट की दिशा इस तरफ है पी कैप की, परंतु हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है इस तरफ, मतलब डाइपोल मोमेंट की दिशा इस तरफ है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किस तरफ है इस तरफ, दोनों अपोजिट होने के कारण से मैं पी के को माइनस से गुणा करता हूँ तो ये पी के क्या हो जाएगा अपनी दिशा को बदल के इस तरफ दे लेगा। डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ माइनस पी के जो कि क्या है पी के जस्ट अपोजिट। अब मैं क्या करने वाला हूँ इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे विद्यार्थी आपको पता है कि दोनों का जो मान है वो बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स ऑफ ई ए और कोस थीटा, और ये जो होगा माइनस का पी के उसकी दिशा को शो कर रहा है। यहाँ पर हम इसका अगर मान रखें तो ई ए का जो मान है वो के क्यू अपॉन में कितना आएगा ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस कितना आएगा ए स्क्वायर कोस थीटा और माइनस का कितना आ जाएगा पी के।
अब हमने देखा कि cos थीटा का जो मान है वो ट्रायंगल से निकालेंगे। ट्रायंगल हमारे पास देखिए वो कौन सा है, वो से देखना AOP में, तो वो AOP में अगर मैं cos थीटा लूं तो cos थीटा का मान होता है आधार बटे में कर्ण। आधार जो इसका है वो हमारे पास कितना है a, और कर्ण जो है वो होता है रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a डिवाइडेड बाय रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस कितना आएगा a स्क्वायर। तो हमारे पास जो आधार का cos थीटा का मान अगर रखूं इक्विटोरियल में तो e इक्विटोरियल, e इक्विटोरियल बराबर कितना होगा 2 जो हमने मान रखा था k q अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इनटू कितना आएगा cos थीटा। cos थीटा हमारे पास कितना है a डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और वेक्टर जो बराबर माइनस के साथ बराबर हो जाएगा। अब देखो ये जो टर्म सेम है तो आधार समान है तो घाते भी क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, और मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूं, वो रीअरेंज देखना कितना होगा e इक्विटोरियल बराबर k q और 2a मैंने साथ में लिख दिया अपॉन में ऊपर देना r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो यहां पे पावर इसकी कितनी है 1 और यहां पे कितनी है हाफ, ऐड करने पे कितना हो जाएगा 3/2 माइनस का pk। अब देखो समीकरण a से देखें हम इसको पहले देखो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो हमारे पास एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं b से लिख सकता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा e इक्विटोरियल वाला बता देगा k p अपॉन में कितना देगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 और इनपुट का देना ये p वेक्टर सॉरी अभी p और का है माइनस का pk। अब ये हमारे पास तो आई है बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है जब डाइपोल क्या नहीं हो आदर्श नहीं हो, परंतु हम अब इस तत्व क्या लगाएंगे आदर्श को लगाएंगे। चलिए करते हैं आदर्श को। देखो ये सूत्र निकालने के बाद हम इस कंडीशन को हम क्या लगाएंगे आदर्श बिंदु के ऊपर लगाएंगे और देखेंगे कि क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं आदर्श बिंदु, उस चीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो आदर्श बिंदु के आदर्श बिंदु में क्या होता है मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा आदर्श बिंदु कैसा होता है। इस सपोज करो प्लस क्यू चार्ज है और इस सपोज करो माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसकी जो बीच की डिस्टेंस तो हमारे पास है वो जो निरस्कर r दूरी वो तो हमारे पास कितनी है 2a और जो r दूरी है मैं मान लिया कि बेटा ये पॉइंट यहां पे है तो उसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जो r है वो बहुत ज्यादा बड़ा है किससे a से। अगर ये r a से बड़ा है तो मैं कह सकता हूं कि जो r a और r है वो क्या होगा एक से छोटा हो जाएगा और अगर उसका वर्ग कर दे तो ये क्या हो जाएगा और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस दूसरे स्थान पर समीकरण 5 थी समीकरण 5 से मैं क्या करूंगा r स्क्वायर कॉमन ले लूंगा नीचे से। तो देखिए जब मैं आज को कॉमन लूंगा यहां देखिए कितना आएगा e वेक्टर इक्विटोरियल तो आएगा हमारे पास o k q अपॉन में कितना आएगा r स्क्वायर कॉमन लेने पर r की पावर देखिए जाएगा। तो देखो यहां पे r स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो 3/2 से हाफ पावर तो स्क्वायर जाएगी स्क्वायर से बचेगी कितनी पावर r की क्यूब और बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर की पावर 3/2 और यहां पे q नहीं है यहां पे p है और अब कितना माइनस का p है। आदर्श द्रव्यमान के अनुसार ये हमारे पास ये टर्म जो है ऊपर से बहुत छोटा है, अगर इसका रेशियो करने पर ये छोटा हो गया तो इसका मतलब है इसको कुछ 1 में ऐड कर दो इसको तो उसमें 1 के मान में कोई फर्क नहीं आएगा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्विटोरियल का सूत्र है फार्मूला है हमारे पास वो k p अपॉन में जाएगा r की क्यूब और ये फैक्टर जो होगा वो कितना आ जाएगा डेरिवेट हो जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का p कैप। अब माइनस मान लेते हैं हमने क्लास में जब पढ़ाया कि जो एकांक सदिश जो होता है वो क्या होता है सदिश बटे में सदिश का परिमाण और सदिश का अब सदिश निकल कर जाएगा सदिश इनटू आई कैप। तो ठीक है तो यहां से मैं क्या करता हूं कि ई इक्विटोरियल जो है उसने के पी और पी के अपॉन में आर की क्यूब माइनस कर लेते हैं। देखो पी और पी कैप जो का मल्टीप्लिकेशन है वो कितना देगा पी वेक्टर के बराबर तो e इक्विटोरियल पर जो इक्वेशन आएगी वो कितना देगा माइनस का k p वेक्टर अपॉन में कितना देगा r की क्यूब। ये हमारे पास कितना है समीकरण बता दी
जो है वो द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केस लेंगे, स्पेशल केस में मान लो फर्स्ट केस है वो मैं लूंगा इक्विटोरियल वेयर 1/r³ के मध्य ग्राफ। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आएगा वो कितना आएगा r³/1³। इक्विटोरियल में जो तीव्रता है वो 1/r³ के क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ पे कितना लिख गया इक्विटोरियल, यहाँ पे 1/r³, तो ये ग्राफ बन गया स्ट्रेटिक लाइन। इसके अलावा जो सेकेंड ग्राफ हमारे पास बनेगा वो कितना है स्टूडेंट कि इक्विटोरियल वह आर के मध्य ग्राफ। अब ये जो ग्राफ आएगा हमारे पास वो कैसे आएगा, देखो सुनो कि जो आप बता देता हूँ कि इक्विटोरियल जो है वो आर के थर्ड पावर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये थर्ड पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ई इक्विटोरियल जो होगा उसमें आर जो ग्राफ बनेगा वो अति प्रबल ग्राफ बनेगा और इसकी जो ढाल है वो क्या हो जाएगी, और बढ़ती जाएगी। मतलब इसका जो झुकाव है, मतलब इसका मोड़ कह सकते हो, वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे हमारे पास जो थर्ड ग्राफ है वो हम लोग देख लेते हैं। थर्ड ग्राफ जो है वो इधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड ग्राफ हमारे पास कितना है, ई इक्विटोरियल व पी के मध्य ग्राफ। तो ई इक्विटोरियल और पी के मध्य जो ग्राफ देखा जाएगा वो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये हमने मोड लिया है इसके अंदर ताकि माइनस को क्या कर सके, फैक्टर को नेगेटिव कर सके। जो पहला दूसरा और तीसरा स्पेशल केस पढ़ा था, अब हम चौथा स्पेशल केस पढ़ेंगे। वो कहता है कि ई इक्विटोरियल इक्विटोरियल एंड ई एक्सियल में क्या निकालना है, हमने वो संबंध निकालना है। तो देखो उसमें संबंध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दोनों को फॉर्मूला लिख देते हैं। पहले हमारे पास ई इक्विटोरियल का वेक्टर की तरफ सूत्र निकाल है, माइनस में के पी अपॉन में बताता है आर की क्यू, समीकरण नंबर एक वेक्टर की तरफ। और यहाँ पर देखा जाए ई एक्सियल देखा था हमने, तो कल की फॉर्मूला लिख देखा एक्सियल के बारे में, वो था 2 kp वेक्टर अपॉन में बताता है आर की क्यू। अब दोनों का परिमाण ले, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, ई एक्सियल का परिमाण ले लूँ। परिमाण लेने पर कितना आएगा 2 kp अपॉन में कितना आएगा आर की क्यू। अब विद्यार्थी ये जो परिमाण है अगर मैं इसका मोड लूँ तो यहाँ पे ये मोड लेने पर इसका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा kp अपॉन में आर क्यू। देखो kp अपॉन में आर क्यू ये रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि ई एक्सियल जो है हमारे पास ई एक्सियल जो है वो तो 2 ई इसके बाद देखा जाए तो फोर्थ पॉइंट है, वो फिफ्थ पॉइंट है, वो देखते हैं कि हमने क्या देखा कि ई इक्विटोरियल इक्विटोरियल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, प्रश्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो द्विध्रुव आवरण के विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये टॉपिक था। और अक्ष पे जो होती है वो द्विध्रुव दिशा में होती है, इस सूत्र के अंदर क्या आता माइनस नहीं आता, इस सूत्र में माइनस आने का मतलब यही है कि जो दिशा है तीव्रता की वो द्विध्रुव आवरण के क्या है, विपरीत है। अब हमारे पास जो छठा पॉइंट है वो कहता है किसी थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थीटा कोण का मतलब क्या, सपोज करो ये हमारे पास एक प्लस क्यू है, ये हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है और द्विध्रुव की दिशा इस तरफ है, यहाँ से एक चार्ज पड़ रहा है यहाँ बिंदु पी पर, और ये एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है थीटा। तो बिंदु पी जो थीटा कोण बन रहा है वो है आर कैप और पी कैप के मध्य बनने वाला कोण। पहली चीज अगर थीटा जो हमारे पास है यहाँ थीटा जो है वो क्या है आर के व पी कैप के मध्य बनने वाला कोण। अब थीटा कोण पर अगर है, देखो हमने अक्ष पढ़ लिया, अक्ष ये था हमारे पास, निरक्ष हमारे पास ये वाली लाइन थी, तो अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता जो थी हमने पढ़ ली चुके डेरिवेशन में, परंतु जो थीटा कोण पर जो तीव्रता होती है
वो कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र हम डेरिवेटिव से डिराइव नहीं करेंगे, पर हम सूत्र को याद करके कि ई थीटा को जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है केपी फॉर्म में आर क्यूब रूट के अंदर, इसको लिख लेते हैं कि आर थीटा के बराबर, मतलब इसमें आर के अंदर थीटा भी आता है, वो होता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना आता है 1। ये हमारे पास सूत्र निकाला जाता है, इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा को अपने किसी बिंदु पर थीटा निकाल सकते हैं। क्या सूत्र सही है या नहीं है हम इस चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले अक्ष के लिए सूत्र को लागू करेंगे। अक्ष के लिए विद्यार्थियों आप जानते हो अक्ष के लिए थीटा बराबर कितना होता है 0 डिग्री और cos 0 का मान हमारे तरफ से जब निकलता है a, तो हमारे पास e अक्ष पर जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी kp / में r की क्यूब। ये तीव्रता का परिमाण ध्यान रखना, ये सूत्र केवल परिमाण देता है, उस पर क्या लिखा केवल परिमाण देता है, दिशा की जानकारी हमें खुद बतानी पड़ती है। अब हमारे पास अगर cos का मान है तो 3 प्लस कितना देगा 1, तो यहाँ पे कितना देगा 4, 4 का मान कितना होता है डियर स्टूडेंट 2, तो कितना आएगा 2kp / में कितना देगा r की क्यूब। और हमने पढ़ा था कि अक्ष पर तीव्रता का सूत्र क्या होता है, यही होता है, ये वेक्टर के पदों में था और ये हमारे पास क्या गया मैग्नीट्यूड के पदों में आ चुका। अब जो सेकंड फॉर्मूला है निरक्ष के लिए वो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, देखना हम क्या करेंगे इसको निरक्ष के लिए लागू करेंगे, निरक्ष के लिए। तो निरक्ष के लिए इसको लागू करने के लिए इसमें थीटा बराबर होता है तो डियर स्टूडेंट थीटा बराबर 90 होता है और cos 90 बराबर कितना होता है 0। तो अगर इसको लगाए तो हमारे पास थीटा वाला फॉर्मूला, हमारे पास ये फॉर्मूला है वो निरक्ष पर लगाए तो कितना आ जाएगा ई निरक्ष जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा के पी / में आर की क्यूब अंडर रूट डी cos स्क्वायर थीटा, ये वेक्टर जीरो हो जाएगा मतलब सी 3 cos थीटा कितना आ जाएगा 0 और रूट के अंदर क्या बचेगा 1 और कितना आएगा के पी / में आर की क्यूब। मैंने पहले बता दिया विद्यार्थियों कि यहाँ पर अगर मोड लिया तो ये माइनस चिन्ह लगता है, कितना आएगा के पी / आर की क्यूब, इसका मतलब ये निरक्ष और अक्ष दोनों के लिए ग्रेडिएंट है। तो इसी प्रकार ये थीटा कोण किसी भी थीटा कोण के लिए क्या होगा मान्य होगा। दूसरों का ये टॉपिक हम समाप्त हो गए, आज हमारा सेकंड टॉपिक जो है सेकंड टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में दूसरों पर कार्यरत बल लागू। ठीक है, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो मैंने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, आवेश प्लेट है और ये हमारे पास है एक नेगेटिव आवेश प्लेट है, समांतर प्लेट है और दोनों को एक दूसरे के समांतर ही एक समान प्लेट है, समान चार्ज युक्त और एक दूसरे को समांतर कर गया है, तो इनके बीच में जो बनने वाला विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा एक समान होगा। सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस करेंगे, तो प्रोड्यूस करना हमें आ चुका है कि दो समान प्लेट समान आवेश समांतर प्लेट दो प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रख देंगे। ठीक है, अब जब इनको समांतर रखा तो हमारे लिए समान विद्युत क्षेत्र बन गया। एक समान विद्युत क्षेत्र बनने के बाद हम इस समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रूप को लेकर आएंगे, ये द्विध्रुव को लेकर है, ये द्विध्रुव का माइनस क्यू चार्ज है और ये द्विध्रुव का प्लस क्यू आवेश है, ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, इसके बीच की दूरी जो होती है 2a है और द्विध्रुव की दिशा जो होगी डिग्री स्टूडेंट वो किस तरफ होगी p कैप माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। यहाँ हमारे पास जो टॉपिक है उसमें माइनस क्यू आवेश पर जो फोर्स लगेगा वो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पॉजिटिव आवेश पर लगने वाला बल, वो बल कितना होगा F बराबर क्यू ई, ये तो पॉजिटिव के लिए होता है। इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है वो किस तरह होता है, वो होता है F बराबर माइनस का क्यू ई माइनस का क्यू, ये जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है, दिशा के विपरीत कार्यरत होता है और ये जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही कार्यरत होता है। तो प्लस के चार्ज में जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा, तो उसका मतलब ये तो देखो समझते हैं कि
ये प्लस जो चार्ज है उसको प्रतिकर्षित करेगी और ये उसको क्या करेगी आकर्षित, फिर उसमें जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा और ये जो फोर्स होगा वो कितना लगेगा विद्यार्थियों, एफ बराबर क्यू और ई इस तरह। इसी प्रकार माइनस जो चार्ज है माइनस चार्ज पर ये तो आकर्षण करेगा, ये क्या करेगी प्लेट प्रतिकर्षण, तो इस कारण से इधर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा और ये जो बल होगा वो एफ बराबर तो होगा माइनस का क्यू ई। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला वाला बल, ये हमारे पास होगा एफ बराबर क्यू ई। ठीक है, क्यू ई वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तो माइनस क्यू इस पर लगने वाला बल होगा एफ बराबर कितना होगा वो माइनस क्यू और क्या देगा ई। अब देखो ये तो हमने पहले की बात है पॉजिटिव चार्ज पे लगा और ये हमारे पास किस पे लगा नेगेटिव चार्ज पे, तो अतः विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल वो कितना होगा हम देख लेते हैं। बल के लिए विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल होगा एफ नेट, वो कितना होगा एफ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण और प्लस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के कारण। देखिए ये स्टूडेंट, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के कारण तो कितना होगा क्यू ई वेक्टर और नेगेटिव चार्ज के कारण होगा माइनस का क्यू ई वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा जीरो न्यूटन नेट बल हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस पर लगने वाला परिणामी बल कितना है, शून्य है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित ये द्विध्रुव जो है वो रेखीय गति नहीं कर सकता, मतलब ये डाइपोल इधर उधर गति नहीं कर सकता। बल शून्य होने का मतलब ये है कि यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रेखीय गति नहीं कर सकता। अब रेखीय गति नहीं कर सकता इसका मतलब कोई और गति हो सकती है इसके अंदर, हाँ वो चीज देखते हैं। देखो और गति कैसे होगी उस चीज को जानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, फिर हम बल के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक चीज देखिए, जो कुल बल है वो जीरो है। कुल बल जीरो होने का मतलब क्या है, जितना माइनस एक्स दिशा में लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है प्लस एक्स दिशा में, तो नेट कितना हो सकता है हमारे पास जीरो, हमने निकाला भी है। परंतु दोनों बलों की क्रिया रेखा समान नहीं है। अब ये क्रिया रेखा क्या होती है, पहले आप उस चीज को सुनिए। क्रिया रेखा का मतलब क्या है कि सपोज करो क्रिया रेखा का मतलब ये है कि दो बल जो है वो एक ही दिशा में नहीं लग पा रहे। मतलब कैसे, सुनने वाली बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा दूँ। सपोज करो ये बोतल, इस बोतल पर दोनों बल अगर इधर लगेगा जितना इधर लगेगा उतना ही इधर लगे तो ये बोतल उठ जाएगी। परंतु यहाँ डायपोल ऐसे पड़ा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ पर लगा रहा है, दूसरा जो चार्ज है वो इधर लगा रहा है, तो मतलब बोतल ऐसे घूमेगी क्योंकि इनकी क्रिया रेखा समान नहीं। क्रिया रेखा का मतलब क्या है, एक ही रेखा पर ये बल नहीं लग रहे, इसकी रेखा इस तरफ है तो उसकी रेखा क्या है इस तरफ। दोनों बलों की क्रिया रेखा में अंतर होने के कारण से क्या होगा, इसमें बलागुण उत्पन्न होगा। तो मैं कह सकता हूं कि बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होने के कारण से द्विध्रुव में बलागुण उत्पन्न होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो द्विध्रुव में बलागुण होगा वो कितना होगा, वो कितने दो बराबर होता है एक बल का परिमाण वह दोनों बलों के मध्य की न्यूनतम दूरी, मध्य की न्यूनतम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है न्यूनतम दूरी।
या बोल सकते हो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो देखो जो पहले हम बात करते हैं एक बल का परिमाण दोनों बल में से कोई ले सकते हैं, जो घूर्णन अक्ष से लंबवत होंगे वो निकाल दें, तो एक बल का परिमाण जो फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। बट जो घूर्णन अक्ष से लंबवत होंगे वो कौन सी है, या एक बल दोनों बलों के बीच न्यूनतम दूरी वो कौन सी है वो देख लेते हैं डायग्राम के अंदर। मैंने मान लिया कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ए पर है, पॉजिटिव चार्ज बी पर है, तो मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस लाइन को आगे बढ़ाया और इन दोनों को ड्रॉ करने पर ये जो दूरी है हमारे पास वो दूरी जो है वो क्या कहलाती है, दोनों बलों के दोनों क्रिया रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, क्योंकि क्रिया रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है तो समांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी यही होती है, इससे कम दूरी नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें मान लिया कि डायपोल थीटा एंगल पर प्रेजेंट है, तो त्रिभुज के अंदर क्या निकालेंगे वो भी निकालेंगे। तो यहाँ जो दोनों क्रिया रेखाओं दोनों बलों के मध्य की न्यूनतम दूरी जो है स्टूडेंट ओ पी ओ बी, निकालते हैं सूत्र का मान, हमारे पास समीकरण देखिए इसको लिखी थी चार त्रिभुज लेते हैं कौन सा त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में साइन थीटा लगाते हैं कितना होता है लंब बटे में कर्ण, थीटा के सामने वाला जितना हमारे पास लंब, थीटा के सामने वाला लंब कितना होगा ओ बी, कर्ण कितना हमारे पास ए बी ओ बी बटे ए बी कितना है टू ए डायपोल के बीच की डिस्टेंस, तो हमारे पास विद्यार्थी द्वितीय देखिए को ओ बी बराबर जो आएगा वो बताएगा 2a sin theta। अब ये मान लेंगे तो इक्वेशन 5 का मान, 5 का मान इक्वेशन 4 में रखने पर, तो प्रिय विद्यार्थियों जब हमने इक्वेशन 5 का मान इक्वेशन 4 में रखा तो हमारे पास कितना आ जाएगा f, पहले तो हम f का मान ढूंढ लेते हैं, f का मान कितना है स्टूडेंट एक बल का परिमाण, तो qe इनटू ये कितना आएगा 2a साइन थीटा। हमने क्या पढ़ा है डायपोल जो है उसका डायपोल मोमेंट भी होगा, तो वो कितना होता है एक आवेश का परिणाम और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे 2a और यहाँ पे कितना है q, तो ये कितना आ जाएगा ये q इनटू 2a बराबर कितना बन जाएगा p, तो ये हो जाएगा ep साइन थीटा। देन टॉर्क फोकस ये हमारे पास क्या रहेगा लगने वाला बल का अधिस रूप आ गया, अधिस रूप आ चुका है। अब हम क्या करने वाले इसका सदिश निरूपण करने वाले, इसका सदिश निरूपण करने के लिए हम क्या करेंगे इसके साइन थीटा को हटाएंगे, तो सदिश निरूपण जो होगा सदिश निरूपण, सदिश निरूपण मैंने क्या किया सदिश का हटाया तो ओ वेक्टर जो आएगा वो पी वेक्टर क्रॉस कितना आएगा ई वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। समीकरण सात आ गई, समीकरण सात जो है वो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत रूप पर कार्यरत बलों का सदिश निरूपण है। ठीक है अब चलते हैं हम आगे, ये जो सदिश निरूपण आया इस सदिश निरूपण को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टॉर्क है बलों जो है हमारे पास वो कितना है पी क्रॉस ई वेक्टर आया, तो पी क्रॉस ई वेक्टर से मैं क्या स्पष्ट करूंगा कि जो टॉर्क है ना वो पी के लिए है परपेंडिकुलर है एंड टॉर्क जो है वो क्या है इस ई वेक्टर के लिए क्या है परपेंडिकुलर है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है इसके बारे में। अब हम बढ़ते हैं स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस का तो हमारे पास फर्स्ट केस है यदि पी व ई के मध्य बनने वाला कोण थीटा बराबर कितना हो जीरो डिग्री, अगर थीटा बराबर जीरो डिग्री होगा तो टू बराबर कितना हो जाएगा पी ई और साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो मान कितना होता है स्टूडेंट साइन जीरो मान होता है जीरो, तो जीरो का मान होता है साइन जीरो, जीरो डिग्री जीरो पर जीरो होता है तो हमारे पास कितना हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, मतलब कोई बल कोण नहीं लगेगा। ठीक है दूसरा देखा जाए हमारे पास यदि, ठीक है यदि पी व ई के मध्य कोण थीटा बराबर बताओ 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री होने पर साइन का मान कितना हो जाएगा एक, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा टॉर्क बराबर हो जाएगा हमारे पास टॉर्क हो जाएगा पी ई और कितना हो जाएगा ये इसका मैक्सिमम मान है न्यूटन इनटू मीटर, ये इसका मैक्सिमम मान है। ठीक है अब इसके बाद थीटा बराबर बताओ 180 डिग्री हो, 180 डिग्री का मतलब आपस में कर दे तो कोस साइन का मान कितना होता है 0 डिग्री,
यूनिट साइड जीरो पर हमारे पास ये बता दें वापस जीरो न्यूटन इंटू मीटर आ जाता है। फोर्थ केस दिखा दें यदि थीटा वाला मैं देता हूँ 270 डिग्री तो इस स्थिति में साइन जो आएगा ये बताएगा माइनस और माइनस आने पर हमारे पास ये बता देगा माइनस साइन 270 जो जो वैल्यू आएगी वो माइनस ये रहेगी जब टॉर्क होगा वो माइनस का पी ई होगा। ये टॉर्क की क्या है मिनिमम वैल्यू है मिनिमम मान है न्यूनतम मान है ये न्यूनतम मान है ये उसका क्या है अधिकतम मान है और ये जीरो वाले हैं वो शून्य बराबरों को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें वीडियो पर जो डाउट्स आ रहे हैं आपके वो कमेंट और इस वीडियो को अपने दोस्तों जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उनको शेयर करें ठीक है। और हमारे इस नामदेव स्कूल के चैनल को अभी जाकर विशेष और जय हिंद।